गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में मिले महाभारत काल के ये अवशेष लगभग 4000 साल पुराने हैं, जो कि महाभारत के युग की कई सच्चाइयों को सामने ला सकता है। खेत की जमीन से महज 10 सेंटीमीटर नीचे मिली कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में जानकारों का कहना है कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया जैसी समृद्ध रही होगी। एएसआई के अधिकारियों ने बताया कि हम बागपत के सादिकपुर सनौली गांव में खुदाई कर रहे हैं। इस इलाके में इतनी प्राचीनतम सभ्यता मिलना हैरान करने वाला है। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में खुदाई में शाही कब्रों का एक समूह मिला है। महाभारत काल में पांडवों के मांगे 5 गांवों में बागपत भी शामिल था, इसलिए इस सभ्यता के अवशेष को महाभारत काल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस खुदाई का काम देख रहे एएसआई अधिकारी डॉक्टर एस के मंजुल का कहना है कि अभी तक जो तथ्य मिले हैं उससे यह लगता है कि यह काल 4000 साल पुराना रहा होगा, यानी लगभग 1800 से 2000 ईस्वी पूर्व का। इसके अलावा कब्रें और अंतिम संस्कार के जो साक्ष्य मिले हैं उनमें पहली बार ताबूत में रखी इतनी पुरानी कब्रें मिली हैं। तमाम कब्रें लकड़ी के ताबूत में बंद हैं। इनकी दीवारों पर तांबे की प्लेटिंग है जिस पर तमाम तरह की आकृतियां उकेरी गई हैं। इतना ही नहीं, ताबूत में तांबे की कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके पास ही एक गड्ढे में 2 रथ, ताबूत के सिरहाने में मुकुट जैसी चीज़ों के अवशेष भी मिले हैं। यही नहीं, ताबूत के पास 3 तलवारें, 2 खंजर, 1 ढाल, 1 मशाल और 1 प्राचीन हेलमेट भी मिला है। खुदाई में एक महिला का कंकाल भी मिला है जिसका ताबूत पूरी तरह से गल चुका था। इस महिला के सिरहाने एक सोने का बीड के साथ चांदी का कुछ सामान, सींग का बना कंघा और एक तांबे का आईना भी है। एएसआई अधिकारियों ने बताया कि साल 2005 में इसी जगह से 120 मीटर की दूरी पर एक कब्रगाह मिली थी, जिसमें से लगभग 116 कब्रें मिली हैं। उन कब्रों के पास भी तलवारें आदि मिली थीं। अधिकारियों का मानना है कि शायद यह कब्रें योद्धाओं की रही होंगी, साथ ही इनके शाही होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एएसआई डॉक्टर एस के मंजुल का कहना है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यह पहला मामला है जहां पूरा रथ मिला है। इसके पहले रथ कहीं भी खुदाई में नहीं मिले हैं। घटोत्कच का नाम तो सुना होगा, जो महाभारत में भीम और हिडिंबा का बेटा था। घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि वह पैदा होते ही जवान हो गया था। वो शरीर में बहुत बड़ा था। महाभारत में उसने कौरवों से लड़ाई लड़ी। कर्ण से लड़ते हुए घटोत्कच मारा गया था। अब घटोत्कच के बारे में एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि हजारों साल बाद उसका कंकाल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये कंकाल कुरुक्षेत्र में मिला जब महाभारत का युद्ध हुआ। इस कंकाल की लंबाई 80 फीट बताई जा रही है। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।